डिस्को दीवाने। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका भाई फिलहाल रेडी हो चुका है, बस मैं राइस कुकर में खाना बैठाया था तो उसको जैसे पकते यहाँ सीधा ऑफिस चला जाएगा। चलो वीडियो का शुरू करता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डंबर लाइफ ब्लॉग्स। हाँ, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में कुछ आप लोग को एक कुछ सरप्राइज चीज़ बताना है, तो आप लोग वो चीज़ को सुनकर काफ़ी खुश होगा, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना गाइस। तो मेरा बाइक का स्टैंड ये टूटने वाला है, देखो पूरा ढीला हो गया, तो हमें यहाँ वेल्डिंग करना पड़ेगा लग रहा है, तो कुछ वेल्डिंग करके हमें कुछ बनाना पड़ेगा। मेरा बाइक काफ़ी गंदा हो गया, इसको धोने का सोच रहा है, पीछे पीछे लग गया, काफ़ी दिनों के बाद धूप निकला है। वैसे वो दुकान में कुछ आर्गुमेंट हो रहा है, वो यहाँ तो सुनाई दे रहा है। देखो इतना बड़ा पोस्ट को उठाने के लिए इतना बड़ा क्रेन लगता है, जैसे भी और क्रेन नीचे लगा रहा है पोस्ट को लगा रहा है। वहाँ पे देखो दो आदमी नट को कस रहा है, लगा रहे नट, इसे काफ़ी रिस्की है ये काम, फिर भी गड़बड़ होने से तो गया। छोटा सा ट्रक का ऊपर में ये मशीन है और ये मशीन का द्वारा ये पोस्ट को लगा रहा है, काफ़ी रिस्की है। देखो ये ट्रिम्स का गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसके ही पीछे में बॉयज़ हॉस्टल इतना बड़ा सा बन रहा है। देखो वाह, कम से कम 7-8 फ्लोर का होगा, पता नहीं ये भी कब कंप्लीट होगा, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से बना रहा है। इसका बराबर ही ये लग रहा है, आई थिंक 7 फ्लोर है क्या। वहाँ पे देखो बल्छी मार रहा है, तो उसको देख के अपना ज़माना का याद आ गया, एक ज़माना में बहुत मछुआरा था हम लोग। वहाँ देखो पचिन भी यहाँ में मार रहा है, लेकिन मछली होगा होने में तो, पर मिला ही कि नहीं पता नहीं। देखो डिस्को लाइट में वो डांस कर रहा है। कल से कल परसों से लेने मिलेगा, इसलिए डांस कर रहा गाइस। अभी हम कहाँ में घूम रहे हैं आप लोग को दिखाता है, नया प्लेस देखो, ये न्यूयॉर्क का ब्रिज है, तो न्यूयॉर्क में नया ब्रिज बन रहा है, देख सकते हैं। इसका नदी देखो पूरा सूख गया, एक ज़माना में यहाँ नहाने आता था हम लोग, अभी पूरा सूख गया नदी, देख सकते हैं। वो पार देखो पूरा नदी सूख गया, फिर भी आदमी नहा रहा, लेकिन ये ब्रिज बन रहा है, आई थिंक वो उस साइड जाने के लिए ये ब्रिज के लिए बना रहा होगा, बढ़िया से बन रहा है ब्रिज। चलो हम थोड़ा सा नीचे जाकर देखते हैं। देखो नदी पूरा क्लीन हो गया, पहले यहाँ बहुत काफ़ी हो गया, बहुत ये 5-6 साल पहले नहाने आता था ऊपर में, लेकिन वो हम लोग नहाने जगह थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा नीचे है, फिर भी पानी देखो पूरा सूख गया, अभी पहले काफ़ी हमें पानी करंट था यहाँ पे, वो पीछे से आ रहे फोकस नहीं ले रहे, काम में डिलीवरी करने आता है, काम में ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम। वैसे ये ब्रिज मजबूत बनेगा कि नहीं पता नहीं, बट देखने में तो सही लग रहा है।
उस साइड भी काफ़ी सारा घर है, तो वो लोग लेके उन लोगों के लिए ये ब्रिज बना रहा होगा ताकि आना जाना पहले, क्योंकि वो ब्रिज था छोटा सा देख सकते हैं, वहाँ से वो जाता था होगा। तो अभी ये बनने के बाद गाड़ी भी जाएगा आई थिंक यहाँ से, तो मज़ा आ जाएगा ये न्यूर्च के लिए। ये सब न्यूर्च है गाइस, देख सकते हैं एक ज़माना में यहाँ पूरा जंगल जंगल था, अभी पूरा घर बन गया, वहाँ पे पूरा घर घर है वो पीछे में। चलो अब यहाँ से फटाफट निकलता है। तो वो देखो बहुत सुंदर सा बगन दिखाई दे रहा है, बट वो क्या चीज़ का है एग्जैक्टली पता नहीं हो रहा है, बट काफ़ी सुंदर है। और वो एरिया भी काफ़ी प्लेन है। One eternity later. देखो गाइस यहाँ से सूट विलेज से नाहरलगुन काफ़ी सुंदर दिखता है, पूरा लाइट लाइट होकर काफ़ी सुंदर, कैमरा में इतना सुंदर नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियल में आकर देखना आप लोग शाम को सूट विलेज से नाहरलगुन की ओर देखना, काफ़ी सुंदर लगता है, देख सकते हैं। क्रिसमस टाइम में तो और भी सुंदर लगता है, पूरा तारा तारा होके पूरा लाइट लाइट जलता है तारा में, तो और भी सुंदर लगता है, बट अभी भी काफ़ी सुंदर है। कैमरा में इतना खास नहीं आ रहा होगा, बट बिलीव मी गाइस आकर देखना काफ़ी सुंदर है। तो फाइनली घर आ गया, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, वैसे ये ब्लॉग में पहले आप लोगों को पहले कहा था कि कुछ सरप्राइज होगा, तो चलो बता ही देते हैं सरप्राइज। सरप्राइज़ ये है कि बहुत जल्दी हम और मेरा राहुल दोस्त तो दो दिन के लिए, दो दिन भी नहीं है, रात को निकलेगा यहाँ से, तो सुबह वहाँ पहुँच कर वही दिन को घूमकर वही शाम को वापस आ जाएगा, तो एक दिन एक रात बोल सकता है, तो जल्दी जाएगा। बट उसके लिए फिर भी सस्पेंस है कि आप लोगों को इंस्टा को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टा में अपडेट देगा अगर जब जा रहा है बोलने से, तो वही शाम को अपडेट दे देगा इंस्टा में, तो इसलिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना। वैसे असम साइड जा रहा है, तो आप लोग असम से जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, तो अगर उस साइड का होता है बोले से, तो ज़रूर मीटअप करना, मिलना हमको अच्छा लगेगा आपका भाई को, उससे पहले आपको इंस्टा में फॉलो करना पड़ेगा। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता है, काफ़ी थक गया, और कटे आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो मैक्सिमम लाइक कर देना, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय गाइस।